ब्लैक फंगस के मरीज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। शहर में अभी तक 150 से ज्यादा लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिल चुके हैं। 8 पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ही 45 मरीजों की अभी तक सर्जरी हो चुकी है। ब्लैक फंगस का खतरा आने के बाद निजी अस्पताल और डॉक्टरों के क्लिनिक में जाँच के लिए आने वाले संदिग्ध मरीज बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज की ENT OPD में भी आने वाले मरीजों में इजाफा हुआ है, जिस पर जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर मेडिकल अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर की टीमें लगातार लगी हुई हैं, तो वहीं मेडिकल में वार्डों की संख्या भी बढ़ाई गई है और यदि बेडों को बढ़ाना पड़ा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा। कि फंगस के जो भी प्रकार हैं वो डॉक्टर्स इसके लिए स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज में भी मौजूद हैं और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी ये कार्य कर रहे हैं, और इस लिहाज से मेडिकल कॉलेज के जो वार्ड्स की संख्या है और जो बेड्स की संख्या है वो लगातार हम लोगों ने बढ़ाई है। पहले आपको विदित हो कि 30 बेड्स का एक वार्ड बनाया था, अभी लगभग 110 बेड के जो हैं वार्ड्स बनाए जा चुके हैं। आगे भी यदि आवश्यकता पड़ी तो वो विस्तारित हो जाएगा। डॉक्टर्स की जो है स्पेशल टीम इस काम को मेडिकल कॉलेज में देख रही है। कई लोग जो हैं स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं,